गुना के बमोरी इलाके में पदस्थ एक सीएचओ ने अपनी जान को खतरा बताया है। उसने सरपंच पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गेहूं रखने को लेकर पूरा मामला हुआ। सीएचओ ने जब गेहूं वहां से हटाने का बोला तो उससे और उसके पति से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। सीएचओ की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। सीएचओ ने मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर उसे कहीं और अटैच करने की मांग की है। मूल रूप से आरोन इलाके की रहने वाली किरण बिजोले ने बताया कि वह बमोरी इलाके से डोंगरी स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ के पद पर पदस्थ है। डोंगरी में भवन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह उप स्वास्थ्य केंद्र विसनवाड़ा में रहकर अपनी ड्यूटी करती हैं। यहां पास में ही झांकी लगी थी जिसमें चढ़ावे में गेहूं आए थे। बीएमओ के आदेश पर यह गेहूं उप स्वास्थ्य केंद्र में रखवाए गए थे। उन्होंने गेहूं अंदर रखकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था। 7 अक्टूबर को सीएचओ के पति ने गांव के लोगों से स्वास्थ्य केंद्र में रखे गेहूं उठवाने को कहा। साथ ही कहा कि अगर अभी नहीं उठा पा रहे हो तो कम से कम मुख्य गेट का ताला खोल दो। इसी बात पर सरपंच देवेंद्र धाकड़ सहित 4 ग्रामीणों ने उनके साथ गाली गलौज कर दी। रात 10 बजे ये चारों लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जाति सूचक गालियां देने लगे। जब उनके पति ने मना किया तो उनके पति के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में भी तोड़फोड़ कर दी। सीएचओ की शिकायत पर पुलिस ने ग्रामीण देवेंद्र, राधा वल्लभ, राम लखन और राम दिनेश धाकड़ के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। साथ ही उनके ऊपर एससीएसटी एक्ट भी लगाया गया है। सीएचओ किरण बिजोले ने बताया कि उन पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास गवाह नहीं है, इसलिए केस वापस ले लो। जिन लोगों ने घटना देखी है एफआईआर में उनके बारे में बताया गया था। अब वह लोग भी डर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो उसी गांव में रहना है, इसलिए अब कोई गवाही नहीं देगा। उन्होंने बताया कि दोनों पति पत्नी तो गवाह हैं, ना क्या उनकी गवाही मान्य नहीं होगी। उन्होंने मांग की है कि इस केस को रोका ना जाए, उन पर कार्यवाही हो। उन्होंने मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया है। साथ ही कलेक्टर सर से मांग की है कि उन्हें कहीं और अटैच कर दिया जाए। डोंगरी सीएचओ हूँ, बीएमओ सर के आदेश से मैं बिसनवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में रहती हूँ। वहाँ के लोगों ने झांकी लगाई हुई थी, तो झांकी में जो भी दान मिला था गेहूँ तो उनने वहाँ पे रख दिया था। तो हमने उनसे बोला कि गेहूँ को हटा लो, अगर तुम्हारी व्यवस्था भी नहीं हो रही है तो ये जो मेन गेट में आपने ताला डाला है उसको खोल दो। तो उनने ताला तो नहीं खोला। करीबन रात के 7 बजे मेरे हस्बैंड को कॉल लगा के बोलते हैं, गालियाँ देती हैं, जाति सूचक गाली देती हैं माँ बहन की। और करीबन रात के 12 बजे 10 बजे वो लोग आते हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र की तोड़ फोड़ करते हैं।